नमस्कार, मैं आपके साथ अंजलि चौहान, समाचार एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बुधवार को जो दिल दहला देने वाली घटना सामने आई उसने सबकी अंतरात्मा को झकझोर कर रख दिया। दरअसल आपको बता दें, आईएएस अफसर की 90 बीघा जमीन थी जिसके लिए सोनभद्र की धरती खून से लाल हो गई, 11 लाशें बिछा दी गई। खूनी जंग को लेकर बिहार के एक आईएएस की भूमिका कटघरे में है। आपको बता दें कि रूह को कंपा देने वाली घुरावल इस नरसंहार में बिहार कैडर के एक आईएएस का नाम भी सामने आया है। सूत्रों की माने तो आईएएस और उनकी बेटी ने यह जमीन ग्राम प्रधान यगदत को बेची थी। जमीन पर कब्जे के लिए ग्राम प्रधान पूरा फिल्मी स्टाइल में करीब 200 हमलावरों के साथ हथियारों से लैस होकर पहुंचा था। तकरीबन सैकड़ों राउंड गोलियों की तड़तड़ाहट से घोरावल की धरती दहल गई थी और लाशें बिछ गई। इस गोली की गूंज को आज सोनभद्र से लखनऊ सहित दिल्ली तक सुना जा रहा है। बहरहाल इस नरसंहार के बाद एक्शन में आई पुलिस ने अब तक 24 लोगों को गिरफ्तार करने के साथ ही प्रधान को पकड़ने के लिए पुलिस की आधा दर्जन टीम को लगाकर यूपी सहित एमपी में भी छापेमारी कर रही है। आपको बताते चलें कि बिहार के आईएएस प्रभात कुमार मिश्रा और तत्कालीन ग्राम प्रधान ने तहसीलदार के माध्यम से जमीन को कॉरपोरेटिव सोसाइटी के नाम करा लिया था। उस समय तहसीलदार के पास नामांतरण का अधिकार नहीं था, लिहाजा नाम नहीं चढ़ सका था। इसके बाद 7 सितंबर 1989 को अपनी वाइफ और बिटिया के नाम जमीन करवाया। आईएएस जमीन पर हर्बल खेती करवाना चाहते थे, लेकिन जमीन पर कब्जा न मिलने की वजह से उनका हर्बल खेती का प्लान फेल हो गया। नियम यह है कि सोसाइटी की जमीन किसी व्यक्ति के नाम नहीं हो सकती। इसके बाद आईएएस ने विवादित जमीन में से काफी जमीन आरोपी यगदत्त ने अपने रिश्तेदारों के नाम करवा दी। हालांकि जमीन पर आदिवासियों का कब्जा बरकरार रहा, आरोपी यगदत्त और उसके रिश्तेदारों के नाम करवा दिया, लेकिन यगदत्त कब्जा नहीं कर पा रहा था। उसके बाद जो खूनी नरसंहार हुआ वो सब आपके सामने है। सूत्रों के हवाले से जो खबर छनकर आ रही है उसके अनुसार ओबरा आदिवासी बहुल जनपद में सदियों से आदिवासियों के जोत को तमाम नियमों के आधार पर नजरअंदाज किया जाता रहा है। सर्वे होने के बाद अधिकारियों की संवेदनहीनताओं ने भूमिहीन बनाती रही। सोनांचल बना अफसरों के काली कमाई का इजी अड्डा। आईएएस अफसरों ने अपने रिश्तेदारों के माध्यम से अपनी काली कमाई का निवेश करने के लिए सोनांचल को हब बना लिया। सूत्रों के अनुसार भ्रष्टाचारी अधिकारियों ने अपने परिवार वालों के नाम से काफी जमीन खरीदकर फार्म हाउस, होटल, खनन से लेकर खेती तक के लिए प्रोजेक्ट डाल दिए हैं। जिन जमीनों पर कभी आदिवासियों का अधिकार था उसको राजस्व कर्मचारियों की साठगांठ से अपने नाम करवा लिया। पिछले एक दशक से जमीन पर कब्जे को लेकर जंग की कई घटनाएं सोनभद्र के साथ मिर्जापुर के पहाड़ी इलाकों में हो चुकी हैं। इस मामले को स्वयं संज्ञान लेते हुए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद 2 सदस्यीय समिति का गठन कर परिवार वालों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा दिए जाने की घोषणा की गई। इस मामले में एसपी सोनभद्र सलमान ताज पाटिल ने बताया कि इस हत्याकांड में कुल 4 बंदूकों का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें से 2 मिल गए हैं तथा कुल 27 नामजद व 50 अज्ञात लोगों पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। जिनमें से कल रात में 12 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है तथा 12 लोगों की गिरफ्तारी आज हुई है। श्री पाटिल ने कहा, मुख्य आरोपी अभी फरार है, उसे खोजने के लिए मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में पुलिस दबिश दे रही है। जल्द मुख्य आरोपी सलाखों के पीछे होगा। आपको बता दें, सोनभद्र के घोरावल कोतवाली के मूर्तिया ग्राम पंचायत के उंबा गांव में बुधवार को जिस ग्राम प्रधान ने खूनी खेल खेला उसकी छवि इलाके में दबंग की है। इतना ही नहीं, उसके घर में 4-4 लाइसेंसी बंदूक भी है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि ग्राम प्रधान के दबाव में ही जिला प्रशासन इस विवाद को नहीं सुलझा पाया। दरअसल जिस 90 बीघे जमीन पर कब्जे के लिए यह नरसंहार हुआ उस पर गोंड आदिवासियों का दशकों से कब्जा था, जबकि मूर्तिया का ग्राम प्रधान यगदत्त ने इस जमीन को 2 साल पहले एक पूर्व आईएएस से औने पौने दामों में खरीदा था। यगदत्त का परिवार वर्षों पहले पश्चिम यूपी से आकर यहां बस गया था। यगदत्त गुर्जर बिरादरी से है। ग्रामीणों का आरोप है कि पूरी घटना प्रशासनिक चूक की वजह से हुई है। डीएम, एसडीएम और एडीएम सहित राजस्व से जुड़े अन्य कर्मियों ने मामले को सुलझाने में कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई। गोंड पक्ष डीएम से लेकर तहसील तक गुहार लगाता रहा, लेकिन प्रधान के प्रभाव के आगे प्रशासन चुप्पी साधे रहा। सपा के जिलाध्यक्ष विजय यादव ने प्रशासन की भूमिका पर सवाल खड़े किए हैं। उनका आरोप है कि अधिकारियों द्वारा विवाद का निपटारा न किए जाने की वजह से इतनी बड़ी घटना हुई। 10 लोगों को मौत के घाट उतारने के बाद से ग्राम प्रधान यगदत्त फरार चल रहा है। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमें लगाई गई हैं, लेकिन वारदात के 24 घंटे बाद भी उसका कोई सुराग नहीं लग सका। अभी तक मामले में 24 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एसएसपी सलमान ताज पाटिल के मुताबिक मामले में 27 लोगों के खिलाफ नामजद और 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है।
देते थे कि 112 बीघे का देते थे, 600 बीघे का, तो 600 बीघे का कर उनको आप क्यों देते थे? सोसाइटी उन्हीं की थी जी, हाँ, सोसाइटी आदर सोसाइटी उन्हीं की थी, बताते थे कि उन्हीं का है। अच्छा, बताते थे कि हमारी सोसाइटी है, तो मतलब पैसा आप लोग 600 बीघे का देते थे और जब 112 बीघे का बहनामा हो गया तो आप लोगों ने पूरा पैसा देना बंद कर दिया। साल भर से? कब से? एक साल से। अच्छा, आपने जब देना बंद कर दिया, एक साल से देना बंद कर दिए, रजिस्ट्री कब हुई जमीन की? ये पिछले अक्टूबर में हुआ है। पिछले अक्टूबर में रजिस्ट्री हुई? अच्छा, कितने लोग थे, कितने लोगों के नाम से रजिस्ट्री हुई है? 11 लोग शायद हैं। 11 लोगों के नाम से रजिस्ट्री होने के बाद उन लोगों का नामांतरण हुआ, खतौनी पर नाम चढ़ा? नहीं, इसके बाद जो है पता हुआ यहाँ पे लोगों के लिए, तो उसी में लोगों का घर द्वार भी है, घर द्वार जो है उसी जमीन में है। हाँ, 600 बीघा में। हाँ, तो ये हुआ कि यार ऐसे ऐसे हो गया, ऐसे नहीं तो जो है ये हमारा गांव जो है इसमें सर्वे में चल रहा है, तो यारों साहब की आपत्ति हुई कि खारी दाखिल ना हो, लेकिन वहाँ पे लगभग 4 महीने फाइल को दबाया गया। अच्छा, तारीख पे तारीख पड़ता गया, फाइल लोगों के सामने नहीं आया, जो पैरों का सामने फाइल नहीं आया। और DM जो ये DM साहब हैं, इनके पहले वाला जो थे वो बोले थे एक खेवट रजिस्टर कोई होता है, यानी ये सोसाइटी का पूरा बाइलाज लोग खोजे, ITI द्वारा निकाला गया, लेकिन कहीं से कुछ मिला नहीं जी, इसका कोई बाइलाज ही नहीं है। तो DM साहब के सामने जब हमारी धान फसल तैयार हुई, उस समय बोले कि साहब आता है कि धान हम काटेंगे, तो DM साहब बोले कि तब क्यों काट लोगे, बोए हो, तो कहीं साहब आते ठीक है, आप कहे थे काटेंगे? नहीं, वो सर वो लोग बोए थे क्या? नहीं भाई। अच्छा, बोए आप थे, काटने के लिए वो गए थे। ठीक, इसके बाद जो है DM साहब बोले कि खेवट रजिस्टर जो है, यारो साहब को बोले खेवट रजिस्टर एक होती है, उसमें दर्ज होगा, और उस दर्ज अगर है तो आप खारी दाखिल कर दीजिएगा, अगर नहीं है तो मत करिए। जो DM साहब यहाँ से वो जाते हैं कि फिर एक हफ्ते में उनका खारी दाखिल हो गया। अच्छा, खारी दाखिल उनका जब हो गया तो उसके बाद क्या वो लोग मौके पर इसके पहले भी कभी चढ़ने का प्रयास किए थे, जमीन जोतने का? कभी प्रयास नहीं किए। क्या थाने वाने से कभी आप लोगों को नोटिस आई थी, तहसील से कभी नोटिस आई थी आप लोगों को? यहाँ पे तो ऐसा है भैया ना कि थाने वाले तो ऐसे चार चार सीट जितने लोग हैं, चार चार सीट एक एक आदमी पे चार चार बार लगाया गया है। क्या लगाया गया? चार सीट लगाई गई है। चार सीट किस चीज का, किस कहाँ से? ये मारने की धमकी दी है, 116 कार्रवाई की गई, 116 तो दो बार हो चुका है, इस बार चार सीट जो बोला जाता गुंडा एक्ट, गुंडा 110 जी हाँ, गुंडा की कार्रवाई की गई। कई लोगों पे? कितने लोगों पर? इस समय अगर कुल जोड़ा जाए तो लगभग 85 लोग, 85 लोगों पर गुंडा की कार्रवाई की गई। माला की एक एक आदमी पे चार चार बार, एक एक आदमी पर चार चार बार 116 की कार्रवाई जब होती है, इसके बाद 12 लोग ऐसे हैं, हाँ, जिला बदर गुंडा भी घोषित हुए हैं। वही गुंडा हम पूछ रहे हैं जी। हाँ, जैसे 116 की जो कार्रवाई होती है वो चार बार पांच बार करने के बाद फिर जिला बदर कार्रवाई होती है, गुंडा की कार्रवाई होती है, तो उसमें से 12 लोग गुंडा के चले गए, जिला बदर हो गए। हाँ, जिला बदर। तो जमानत सबने कराया था? ये विवाद कितना पुराना है यहाँ पे जो है, विवाद हो रहा है? ये विवाद केवल एक वर्ष या 1.5 वर्ष हो रहा है, ये पुरानी विवाद नहीं है। हालांकि जमीनी मुद्दा तो जो चल रहा है ये तो सोसाइटी फार्म यहाँ पे था बहुत मेरे बाबा के ज़माने से, बाबा इसी खेत में जोते जोते चले गए, पिताजी चले गए, अभी हमारी तीसरी पीढ़ी है, और जो है इसमें बीच में ही अपने ही बीच के अपने ही पंचायत के प्रधान जी जो है ज़मीन को लिखा लिए, तो लोगों को पता हुआ कि यार घर द्वार तो सब वो लिखा लिए, हम लोग रहेंगे कहाँ, तो लोगों ने यहाँ पे एकता बनाया, आपत्ति दाखिल की, और आज भी उनका कोई कब्जा नहीं था यहाँ पे, लेकिन कल कभी काबी लेने के आए यहाँ ताबड़ तोड़ गोली चला करके, बता रहे हैं उन्होंने दाखिल खारिज भी करा लिया था। हाँ, दाखिल खारिज भी करा लिया, जो कि जो पैरोकार है वो बता रहा है कि वो 4 महीने से फाइल तारीख पड़ता था हर बुधवार को, पैरोकार वहाँ जाता था, फाइल यारो नहीं दिखाते थे, एक DM साहब थे अमित सिंह या कुछ नाम था उनका, इनके पहले, तो वो जो है यहाँ धान हमारी फसल तैयार हुई तो बोले कि नहीं साहब आता कि धान हम काटेंगे, दोनों पक्ष वहाँ पे जुटे, तो वो पक्ष बोला कि हम धान काटेंगे, तो DM साहब बोले कि बोए हो, काटोगे वहाँ पे, तो कहें कि तो बोए नहीं, तो गांव वाले कहेंगे भाई हम लोग बोए हैं, नहीं जो बोया है वही काटेगा, फिलहाल
जो है आप कैसे कैसे ये फार्म की ज़मीन है, ये बिक्री है करने हेतु तो नहीं है, तो फार्म बड़े बड़े किसान लोग उसको बनाए हैं कि कभी जो है गरीबों को हक में आवे, तो कैसे कैसे लिखा गया। तो यारो साहब भी बुलवाए थे वहाँ पे, और यारो साहब कहे कैसा बात है कि जब तक एक खेवट रजिस्टर कोई बोलती है, यारो साहब से कहे कैसा वो खेवट रजिस्टर आप लोग खोजिए, उसमें अगर ये दर्ज है इनका ये सोसाइटी फार्म तब तो ठीक है, अब नहीं तो खारी दाखिल मत करिएगा। और ये फार्म की पूरी बाइलाज खोजी गई लेकिन कहीं भी नहीं मिला। अच्छा जी, तो ये बताइए कि आप लोग किस जाति के हैं? हम लोग गौड़ जात के हैं, हाँ सूर्य जनजाति में आते हैं गौड़ जी। जी हाँ, और जिससे विवाद हुआ वो किस जाति में? वो भुरतिया है, गुजर भुरतिया इधर कहते हैं, गुजर के नाम से शायद कागजात बनता है, लोग पिछड़ी में आते हैं। जी सर, जी तो इसमें ये जो सोसाइटी बनी थी इसके पीछे कौन लोग थे सोसाइटी में, क्या किसी आईएएस अधिकारी का? हाँ, इसमें आईएएस पीसीएस कुछ लोग थे, ये सब बिहार के रहने वाले हैं, यहाँ के रहने वाले ये सब नहीं है। अच्छा जी, हाँ यहाँ कुछ एक आध दो लोगों को जोड़े थे जब नया नया बना था, मेरे पिताजी भी इसमें सदस्य थे, लेकिन इसके बाद जब बन गया तो हर 12 साल में कितना में उनका जो है रिन्यूअल होता था, जब रिन्यूअल हो गए पिताजी सबको निकालते बाहर, सब अपने हो गए उसमें, 12 लोग साझेदार इसमें शायद हाँ है सब, पूरा नॉलेज भी मुझे नहीं है। क्या ऐसा तो नहीं कि किसी बड़े बड़े लोगों के नाम थे इसमें, आईएएस के नाम थे? हाँ वही आईएएस तो वही है, ये पता नहीं आशा मिश्रा, विनीता शर्मा और क्या क्या नाम है उनका जी। उसी वजह से कार्रवाई नहीं हुई, क्या लगता है दबाव की वजह से कार्रवाई नहीं? वहाँ पे तो पैरोकार हमारे बताए कि यहाँ कोर्ट से उनके यहाँ तक भी जो है ये रजिस्ट्री हुआ, लेकिन वहाँ से वापस आता है जब रजिस्ट्री तो होता है कि इस पते पर यहाँ कोई लोग है ही नहीं है, तब हम लोग क्या माने उसको। लोगों ने जमीन बेच दी फिर? जी जमीन बिक गया उसी पते पे। पूरी बेच दी कुछ बेची, थोड़ी बेची? 112 बीघे बेचा है, और तो जमीन कितनी बाकी है? वो 600 बीघा में उतना घटा दीजिए, 600 बीघा का टोटल मामला था। जी हमराज कहाँ रहने वाले हैं? उभा गाँव के। उस घर से? हाँ इसी घर के। यहाँ पे 10 लोगों का डेथ हो गया है। अलग अलग घरों के थे ये लोग? हाँ अलग अलग घरों के। अच्छा, तो क्या कहना चाह रहे हैं, क्या मांग कर रहे हैं? हम ये मांग कर रहे हैं कि पहले तो यहाँ प्रधान मुख्यमंत्री आवें, यहाँ के देख लें कि जो सोनभद्र में जितने आला अधिकारी हैं उनके डीएम, एसपी, थानेदार, कोतवाल, सीओ और यारो, जो कि यारो डीएम एसडीएम सभी लोगों को ये संज्ञान में होते हुए पूरे गाँव की आज घटना हुआ है। यदि इनको मैंने कई बार अप्लीकेशन दिया, मेरे अप्लीकेशन कोई सुनवाई न कुछ हुआ, आज जब वहाँ ताबड़तोड़ एक घंटा गोली चली है, एक घंटा गोली चलने के बाद सब भाग जाते हैं, तो एक घंटे के बाद वहाँ प्रशासन पहुँचता है। हम सोचते हैं कि जितने लोग 300-250 के लगभग में आए थे, जो यहाँ के प्रधान कोमल, नीरज, धीरज ये सब लोग हैं, उनके बहुत साथी थे, इन लोगों को सख्त से सख्त फांसी की सजा होनी चाहिए, और मुख्यमंत्री जी यहाँ आवें और यहाँ देख लें, हम लोग का आंसर इसी तरह से चलता रहेगा, हम लोग ना डेथ बॉडी को फूकेंगे ना दफनाएंगे जब तक मुख्यमंत्री जी नहीं आएंगे। डेड बॉडी आ गई है? अभी नहीं आए, डीएम साहब अपने कस्टडी में रखे हुए हैं। क्या डीएम साहब? डीएम साहब हम लोगों को बुला रहे हैं कि जिससे इसके घर से आए हैं वो 2-4 लोग आ जाएं, पंचनामा करके उसको दफना दिया जाएगा। क्या वो बॉडी जो है घर वालों को नहीं देंगे, परिजनों को नहीं देंगे? नहीं दे रहे हैं, वही कह रहे हैं कि हम गाड़ी भेज रहे हैं, गाड़ी से गाँव के लोग आ जाएँ, उसका पंचनामा लिखा कर दफना दिया जाएगा। आपका महिंदर कहाँ के रहने वाले, कहाँ घर है? उभा है। उभा में ही है। हाँ। ये बताइए कि ये जो कल की घटना हुई, हाँ, क्या है विवाद का जड़ के पीछे? अब ये तो हम साहब जंगल में रहे थे, ये शुरुआत से भी जो जमीन का विवाद जो अब हम देखो कम उम्र के हैं, शुरुआत नहीं जानेंगे, हम जंगल में रहे, हम आए खादी लाद के घर की 12 पार्टनर 12 से बीघा जमीन। अच्छा, क्या है, किस नाम सोसाइटी को जानकारी है? नहीं, नाम तो नहीं जानते हैं पार्टनर लोगों के साथ। प्रधान को कितना बेचा गया है जानकारी है कुछ? 132 बीघा या 30 बीघा। अच्छा, कब लिया गया है, कब लिया प्रधान? पर्स का 2 साल से ऊपर हो गया लगभग, इसे अभी याद तो नहीं भाई, हम तो गए नहीं रजिस्टर में, हाँ लगभग 2 साल तो हुए होगा। 2 साल से मुकदमा लोग लड़ रहे हैं? नहीं, मुकदमा हाँ 1.5 साल से। अच्छा, तो ये जो गौड़ लोग इनका मुकदमा खारिज हो गया था? अब खारिज हुआ कि नहीं देखो, सुने मतलब कोई लोग कहे, हम तो देखने गए नहीं तहसील में, ना कोई अधिकारी से पूछे, सुने का मतलब सोनी बात,
हम मौके से गए नहीं ना, जानते थे गांव घर। क्या सुना है आप? अरे भाई, तो भाई यहाँ यात्रा निकली ना, यहाँ से बताई जाते। यहाँ पर जो घटना हुई है, आप निरीक्षण करने आए हैं, क्या आप लोगों ने यहाँ पे देखा? घटना का काफ़ी दुखद है, मर्माहत करने वाला है और निश्चित सामूहिक जनसंहार हुआ है और इसकी जिम्मेदार सरकार है। नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए। इस जमीन पर आदिवासी गण जो पिछले वर्षों से वहाँ काबिज हैं, उनकी जीविका का उपार्जन है जोत वो खाकर अपना भरण पोषण कर रहे हैं, ऐसे में उनकी जमीन को छीनना कहीं ना कहीं उनके साथ बड़ी ज्यादती थी। ये लोग लगातार तहसील दिवस, थाने दिवस, मुख्यमंत्री के पोर्टल और तमाम जगहों पर अपनी शिकायत दर्ज कराए। लगातार सरकारें समीक्षा करती है, आखिर किस बात की समीक्षा होती है? इनके प्रभारी मंत्री आते हैं, मुख्यमंत्री समीक्षा लेते हैं मंडलवार, किस चीज़ की समीक्षा लेते हैं? आखिर समीक्षा होती तो शायद इन आदिवासियों के साथ इस तरह की घटना नहीं होती। निश्चित ये सरकार जिम्मेदार है और जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, दबंगों ने निश्चित दलित, पिछड़ों और आदिवासियों के साथ इसी तरह की घटना को अंजाम देने का प्रयास किया, उनके मनोबल बढ़ाया है। अपराध सड़ चढ़ के बोल रहा है, पूरे प्रदेश में आज कानून व्यवस्था नहीं बची है। निश्चित तत्काल अविलंब हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज के नेतृत्व में इसकी जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए। पीड़ित परिजनों को 50-50 लाख रुपए मुआवजा सरकार अविलंब दे और जिन लोगों ने अपने परिजनों को खोया है या जो लोग बरसों से उस जमीन पर काबिज हैं, उनके नाम अस्थायी रूप से पट्टे का आवंटन सरकार तुरंत करे। जो लोग दोषी हैं इसमें, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, उनके खिलाफ निश्चित गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज कर उनके खिलाफ कार्रवाई हो। क्या नाम है चाचा आपका? हमारा नाम संकल्प सिंह सरोतिया। आपके घर से भी कोई मरा है? हमारे भतीजा हमारे। क्या बात हुआ जिला प्रशासन से? जिला प्रशासन से बात यह हुआ कि मरने वाले को 10 बीघा जमीन और 10 लाख रुपया और जो घायल है उनसे 5 बीघा जमीन और जो कि 50,000 रुपया और बाकी। कोई लिखित आश्वासन मिला? बिल्कुल, डीएम साहब के साइन मुहर करा के लिए। इसमें 10 बीघे जमीन की वो है, पुष्टि है। कितना जमीन दे रहे हैं? 10 बीघा मरने वाले की संख्या। अच्छा, इसके लिए घायल हैं? जो घायल है उसको 5 बीघा। और कितना नगद, कितना देने की बात हो रही है? 10 लाख और घायल वालों को 50,000। लिखित तौर पे दिए हैं? बिल्कुल, 10 लाख तो लिखित किए हम, 50,000 वाला नहीं लिखित। नहीं तो ये जमीन उतनी है वहाँ पे की देंगे? बिल्कुल जमीन है वहाँ पर, जो है 1200 बीघा पर मामला चल रहा है। तो आखिर ये इतनी बड़ी बात कैसे हो गई? इतनी बड़ी बात कैसे हो गई है? इतना बड़ा झड़प कैसे हो गया? इतना बड़ा नरसंहार की कैसी क्या जरूरत पड़ गई? इसमें यह है कि बहुत पहले से ही कई वर्षों से ये लोग जोत कोड़ रहे हैं। तो क्या इसकी शिकायत कभी आप लोग किए थे? किए थे। फिर क्या कार्रवाई हुआ? किए थे कहाँ? किए थे मैंने तो भाई, देखिए मैं मिर्जापुर जिले का हूँ, मेरे समझी के चोट लगा था इसलिए मैंने आया हूँ और मुझे जो जानकारी है आपको बता दे। वो मुकदमा चलता था और ये लोग कहाँ है वो सब बैठ गए। क्या कहाँ ले जा रहे हैं आपको? अब चल रहे हैं जो मट्टी है उसको दफन कराने। कहाँ, गांव में ले जाएंगे? अब गांव पे तो बातें हुआ है, देखें गांव में ले जाएंगे। जी सर। क्या नाम है आपका? नाम क्या है आपका? परमेश्वरी। परमेश्वरी। आपके आपके घर वाले हैं कोई? चलिए अरे यार, कोई किसी की मौत हुई थी क्या घर में? नहीं, मेरा भैया। कहाँ कहाँ जा रहे हैं आपको, कहाँ लेके जा रहे हैं? कहाँ लेके जा रहे हैं बताइए, कहाँ ले जा रहे हैं? हैं कहाँ जा रही है? कुर्मा ले जा रहे हैं। कहाँ जा रही हैं आप? कहाँ मट्टी है हमारा। अच्छा, चल 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 जिला अस्पताल पे। नाम क्या है? क्या नाम है आपका? परमेश्वर। आपके घर के कौन से थे जिनको चोट लगी है? अच्छा, मौत हो गई है। क्या आप चाह रही हैं जिला प्रशासन से?
कोई बात हुआ आप अभी क्या बातें हुई हैं आपको यहाँ पे क्यों क्यों नहीं बोल रही हैं बोलिए कोई दबाव है क्या आपके ऊपर कोई दबाव आपके पास है नहीं है बोल नहीं रही आप बंद नहीं है बताइए थोड़ा और पीछे आप हो जाइए आप घंटों से यहाँ क्या कर रही थी आप यहाँ घंटों से क्या करता हूँ आप यहाँ घंटों से क्या कर रही थी पीएम का अकेले कहाँ भेज रहे हैं ये प्रशासन पता कहाँ उनको